सिक्स प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, छह प्रोसीजर। एक है बायलैटरल लिप रिविजन, जिसमें कि वील करेक्ट द लिप एंड द शेप ऑफ द नोज थोड़ा। दूसरा फिस्टुला क्लोजर, गम सर्जरी, अंदर जो होल है यहाँ से नाक में जा रहा है वो। फिर उसके बाद करेंगे बातचीत का, अंदर जो इनका मूवमेंट कम है। ये तीनों एक बारी हो सकता है। जब दूसरी बार आएंगे तो एक और आगे यहाँ पे गड्ढा है, उसको बंद करेंगे और नाक का हो सकता है दूसरी बारे में। और फाइनल टाइम में दांत, ऐसा तीनों कवर होगा। ये दांत अगर हो सकता है तो सेकेंड में हो पाएगा, लेकिन वो हम जब आप सेकेंड आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट में इसका होल रेडी अगर अच्छी तरह से हो गया तो फिर दांत भी हो जाएगा साथ में। ऐसा आपको सिक्स प्रोसीजर्स चाहिए होगा और दो बार या तीन बार मैक्सिमम आना होगा, पूरा फेस सब कुछ रेडी हो जाएगा। हम आपको हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कराते हैं तो आपको बताएंगे इस पर कितना खर्चा आएगा ये सब, आप उसके बाद उसके अनुसार प्लान कीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए एक बार। सो वी हैव अ फ्यू इश्यूज दैट वी गोना सॉल्व फॉर दिस गर्ल। फर्स्ट इज शी इज गॉट अ स्कार एंड द लिप शेप इज नॉट सो नाइस। यू सी दिस हैज टू कम डाउन। द लिप इज वेरी शॉर्ट, इट्स ऑल्सो अटैच्ड, यू नो इट्स स्टक लिप्स एज आई कॉल इट। सो वी गोना टेक केयर ऑफ दैट। एक बार मुंह खोलिए बेटा। सो इफ यू लुक इनसाइड, शी हैज अ फिस्टुला, देयर इज अ कम्युनिकेशन राइट एट द एंड। सो दैट्स समथिंग वी गोना एड्रेस। हाँ करो, हाँ बोलिए, हाँ। सो दैट्स अ पैलेट, इट्स मूविंग बट वी नीड टू मेक इट मूव मोर। बंद करो अभी एंड लुक एट दीज होल्स। सो देयर इज अ गैप दैट्स गोइंग फ्रॉम द गम्स टू द नोज ऑन बोथ द साइड्स, मोर ऑन दिस साइड हर लेफ्ट दैन द राइट। एंड अदर थिंग इज इज नो मसल हियर, सो वी विल गेट सम मसल्स हियर एंड ऑगमेंट दैट। एंड ऑफकोर्स द नोज, यू कैन सी there is a lot of issues with the dorsum, with the tip, it's too broad, it's too flared, so we're going to correct all of that as well. So these kind of adult secondary cleft redos are some things that are complicated, but we do a lot of them. We try to convert each of these patients who are living a life with a cleft deformity and try to convert them so that they look like one of us who don't have them. And huge improvements can be made, significant improvements can be made, not only in their aesthetics, not only in their ability to chew food and to have functional improvement that ways, but also in their speech, even though they're in their 20s or 30s or even later. Thank you. Right, so fir aap Vijo ke sath baat karo, unse baat kijiye aapko